एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और एक बहराइच से जो घटना हुई है उसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि एक पिता एक माँ जब अपनी बेटी की शादी तय करते हैं तो उस दिन उनके लिए काफ़ी बड़ा दिन होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर शादी के दिन बारात ही ना आए तो उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जिनकी वो बेटी थी, और उस बेटी पर क्या गुजरी होगी जिसकी शादी थी। ये मामला बहराइच का है, जहां पर मात्र एक गाड़ी को लेकर दूल्हे ने बारात लाने से इनकार कर दिया है। तो वहीं लड़की की मां की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है। हम आपको बताते चलें कि सरकार द्वारा तमाम ऐसे कानून बना दिए गए, लेकिन लोग हैं कि समझने का नाम ही नहीं लेते और दहेज के लिए वो आज भी अपना मुंह खोले बैठे हैं। जबकि हर व्यक्ति के पास एक बेटी होती है, उसी तरह से दूसरे की बेटी को भी समझें, शायद ये सोच आने में अभी हमारे देश में वक्त लगेगा। ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बारात आने वाली थी, लेकिन अचानक ही बारात के ना आने की खबर मिलते ही इस घर में शोक जैसा माहौल पैदा हो गया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने बारातियों के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां जो कर रखी थीं, लेकिन बारात नहीं आई। इस मामले में बताया जा रहा है कि दूल्हे ने चार पहिया गाड़ी की मांग की थी और तभी दुल्हन को अपने साथ ले जाने की बात कही थी, लेकिन लड़की के घर वालों के पास में इतना पैसा नहीं था जो वो उसे चार पहियों की गाड़ी दे देते। लड़की की मां की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है, जिसमें सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि चार पहिया गाड़ी नहीं देने की वजह से दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। कलीमुन नाम की महिला, उन्होंने थाना फकरपुर बहराइच में तहरीर दी है कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो सकी क्योंकि चार पहिया गाड़ी की मांग उनके द्वारा पूरी नहीं की गई। हम आपको बताते चलें कि सरकार द्वारा ऐसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके तहत लड़कियों की शादी करना तो संभव है ही, साथ ही साथ दहेज विरोधी कानून भी इस हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसके तहत तमाम लोगों ने दहेज लेने तक से इनकार कर दिया है। लेकिन बहराइच में हुई इस घटना के बाद तमाम योजनाओं और तमाम नियमों की अनदेखी सामने आई है, जिसकी वजह से एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी लेकिन दहेज की मांग पूरी ना होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो सकी। आज उसके माँ बाप पर और खुद लड़की पर क्या गुजर रही होगी जब उनके घर आने वाली बारात आने से पहले ही वापस हो गई। अच्छा, लड़के के बाप का नाम क्या है? जाकिर। और लड़के का नाम? निजाम। निजाम नाम है। हाँ। तो बारात आज कितने बजे आने वाली थी? आज 12 बजे। 12 बजे, और अभी तक बारात नहीं आई? अभी क्या खबर मिली है, क्यों बारात नहीं आई? मिली है कि हमको गाड़ी बुलेट जाओ तो हम बारात ला सकते हैं, बुलेट नहीं दोगे तो हम बारात नहीं ला सकते। नहीं लाएंगे तो हम गरीब मने, हम कर्जा पानी कार के उधार व्यवहार सूती दाम लेके कोई मेल जो हमसे हो सका तो हम लगावा है। अब हम बुलेट से कहाँ से लाए थे, अब जो हमारे बुलेट, अब हमारे इतनी उपाय है नहीं तो हम बुलेट लाए हम दे दी तो अब हम अब यही हो सकत है भैया कि अब हम जहर हम खा लेब अपने बिटिया खा। दुल्हन भी मायूस बैठी हुई है।